है कि मैंने लिया है न्यू फ्लैट, वेलकम टू माई फ्लैट। और आरो भी है। शो ऑफ। न्यू तो कुछ है ही नहीं। मत देखा तू मिनरल वाटर पीते देखिए वो करंट लग गया शायद कहीं पर उसके बाद। गोल्डन बटन आने का सेलिब्रेशन है, मजा आएगा। सबसे गोल्डन तो इस टाइम पर करन ही है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, लेकिन जो भी है आप थोड़ा सा एक्साइटेड होंगे, सरप्राइज होंगे, सब कुछ होंगे। अभी आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो। ये देखो, ये डॉग यहीं पर रहता है क्योंकि इसे चोट वोट लगी थी, तो इसका बिस्तर वगैरह इधर ही लगाया हुआ है सबने। और ये कहाँ जा रहा है ऐसे? तो मैं गाइस सरप्राइज के लिए हम तीनों जा रहे हैं। कौन सा सरप्राइज? सरप्राइज है सरप्राइज ही तो जो नहीं बता रहे अभी हम। पहले बता दे, पहले सरप्राइज रिवील्ड इन रिकी रिस्की रिकी। सो गाइस, सरप्राइज ये है कि मैंने लिया है न्यू फ्लैट इन नोएडा, क्योंकि अब जब भी मैं यहाँ पे काम के लिए आया करूंगी तो मैं यही रहा करूंगी। अब आना जाना थोड़ा ज्यादा लगा रहेगा, इसलिए मैंने ये फ्लैट लिया है। तो मैं आपको दूंगी इस फ्लैट का होम टूर। पहले दिन मैंने सोचा कि क्यों डिले करना, पहले दिन दिखा देते हैं। आ जाओ, वेलकम टू माय फ्लैट। अभी आपको एक चीज करके सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, आ जाओ। तो गाइस, पहली चीज है हमारा किचन। अभी थोड़ा सा इसमें सफाई हो गई बाकी है, हालांकि ये फर्निश्ड है पूरा फ्लैट, तो इसमें माइक्रोवेव, टोस्टर, गैस कनेक्शन, वैसे सब कुछ बेसिक चीजें है इसमें, और फ्रिज भी, और आरो भी है। शो ऑफ। छोटा सा डाइनिंग टेबल है इसपे, यहाँ पर मैं व्यू एंजॉय करके अपना, व्यू तो कुछ है ही पे दो चेयर पे सडनली मस्त अकेली बैठ के खाएगी, आराम से ब्रेकफास्ट करूंगी और एंजॉय करूंगी साइड में दो चेयर का। और ये है थोड़ा सा बैठने के लिए लिविंग एरिया, एंड यहाँ से भी आप देख सकते हो, प्लस उस साइड से बालकनी जाती है बाहर के लिए, मैं आपको दिखाई देती हूँ। और यहाँ से पूरी सोसाइटी का व्यू दिखता है, बहुत ही सुंदर लगता है। देखो अभी थोड़ी फॉग हो रखी है तो इतने अच्छे से नहीं दिखेगा। ये क्या है भाई? तो अर्जुन वेली क्यों बनना है? आजकल रिकी का नया लुक है ये। कौन सा? अर्जुन वेली, गाय वेली। ओए, क्यों मुझे करण ने बताया अर्जुन नहीं था, अर्जुन है वो। हाँ। नहीं यार, अर्जुन कोई नाम थोड़ी हो, अर्जुन तो वो रिकी नीचे देखो। ये है यहाँ से व्यू और नीचे हाइट, पर मुझे कोई डर नहीं है हाइट का। देखिए तू तो ना डरता, फोन गिरा देते तो हाइट दिखा दे। हाँ, मैं सारी हाइट दिखा। हम ना सुन ना, दुबई में हॉट एयर बलून पे गए थे मैं और करण, मुझे इतना डर लगा कि मेरा फोन नीचे गिरा, कभी नहीं मिलेगा दोबारा। सोच, तेरा हेयर बैंड गिरा दूला, तेरा एलवी का चश्मा गिरा दूला। यहाँ पर टीवी भी है, अगर मुझे टीवी वगैरह देखना होगा। और यहाँ से आते हैं रूम्स, इसमें दो रूम्स है, एक इस साइड है एक इस साइड है। तो पहले मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ, आ जाओ। एक ये रूम है और इसमें कवर्ड है थोड़ी सी, और ये वाला है जो ये इसका वॉशरूम है। तो मैं वॉशरूम अभी आपको नहीं दिखा रही, ऐसे दिखा रही हूँ। ये इसका मेन रूम है, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है इस इन बैंक जो वो है ना विंडो से उससे। और इसका जो वॉशरूम है वो यहाँ पर है, कबर्ड इधर है। तो इसमें बहुत सारी वार्डरोब्स है, वो भी सेक्शन में करी हुई। और इसमें यहाँ पर है इसका वॉशरूम। वॉक इन ही हो गया रिकी थोड़ा सा। और ये मैंने पानी की बॉटल्स कल ऑर्डर करी थी बहुत सारी, और थोड़ा बहुत ग्रोसरी, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर। रिकी मुझे हमें परेशान करना है, मैं कुछ भी टीवी पे देख रहा हूँ उसमें कमी निकालेगी, रूम में आएगी, मैंने कुछ पहन हुआ है उसमें, हर चीज से चाय पीऊंगी अपनी शाम की, ठीक है? खुद ही बनानी पड़ेगी ऐसे।
गाइज ये था मेरा फ्लैट एंड मैंने आपको होम टूर दे दिया है पहले ही दिन में. अब मुझे आना जाना रहा करेगा यहाँ पर बिकॉज ऑफ वर्क, जो भी हमारा बिजनेस का काम चल रहा है वो सब कुछ. तो इसीलिए अब मैं इस फ्लैट में रहा करूंगी. ये भी ज्यादा दूर नहीं है तो मैं कभी कभी विला भी जाया करूंगी मिलने पाई से सबसे. देखियो करंट लग गया शायद कहीं पर उसके बाद. जो माँ है उनका 1 मिलियन होने का मतलब गोल्डन बटन आने का सेलिब्रेशन है. गोल्डन थीम पार्टी होने वाली है. यहाँ पर पूरी डेकोरेशन हो चुकी है. इसकी ड्यूटी मुझे मिली थी तो इसलिए केक आ चुका है. लेकिन 3 बज गए यार, डेकोरेशन वाले नहीं आए. उन्होंने कहा था वो 3 बज जाएगी, 3:09 हो चुके. मैं उनको कॉल करके पूछा तो है, वो आई हुई अभी, बट केक आ चुका है. केक ले लेते हैं. केक हमारा आ चुका है. आप देख सकते हो बहुत बड़ा केक है. ऐसे आया है, वो नॉर्मल डब्बे में नहीं आया है. अब इसको चेक कर रहे हैं हम लोग कि ठीक है कि नहीं है. ये पता है मैंने उनको एक इंस्टाग्राम इमेज दी थी और मैंने उससे बनवाया ये केक. तो देखते हैं उस तरीके का बना है कि नहीं बना है. वाह, उससे भी ज़्यादा सुंदर बना है गाइस. फ्लावर्स देख रहे हो आप, उसमें बहुत ही प्रीटी केक बना है. पर्ल्स और ये सब लगा के. पता है मैं ना, मुझे पर्सनली केक्स का बहुत शौक है. नए नए डिफरेंट टाइप के सुंदर सुंदर केक देना. तो अगर मेरे को किसी को भेजना होता है मैं भेजती रहती हूँ. मुझे पसंद है ऐसे. तो ये भी बहुत सुंदर बना है. पूरा हम दिखाएंगे जब सेलिब्रेशन वगैरह होगा. केक को इतना संभाल के उठाना पड़ेगा. ये बहुमत की दुनिया का बन मिलने वाला केक, गोल्डन सेलिब्रेशन वाला. और आज आपको ये केक कटेगा भाई. हालांकि मैंने उसे कहा था कि गोल्डन में बना के दे, बट वो व्हाइट थीम अच्छा लगा. इसमें अच्छा नहीं लगता. हमारे तो इसमें ना बने. हम लगते हैं किचन में. हाँ, कोई छेड़े ना. ये है ना बिल्कुल सामने. आंटी जहाँ से इससे बढ़िया था आप टेबल पे रख दो, सब में बढ़िया रहे. वहाँ सब आगे देखते रहेंगे. देखने दो ना. देख रहे हो आंटी? देख रहे हो? तो देखने दो ना. इधर रखो, इधर रखो बाबा, इधर रखो. ठीक है. और यहाँ पे काम वाम होता ना, इसको तभी खोलेंगे आंटी, है ना. केक निकल के इसमें से ये डॉग हाउस बन जाएगा, छोटा सा. बहुत पिल्ला होगा. छोटा बटर सेक रहे हैं आंटी पाव भाजी के लिए, क्योंकि करण और ये सब अभी खा रहे थे बैठकर जब मैं सो रही थी. अभी आई हूँ, मैंने कहा यार पाव भाजी तो मैं भी खाऊंगी, तो आंटी ने मेरे बचा के रखी. तो आंटी ने सेक ली. देखो करण को मिली है गोल्डन जैकेट रिक्की की वार्डरोब में. ये पहनूंगा आज. आज गोल्डन. और मैं कह रही हूँ ये पाई को दो यार, पाई और माँ. मेरे पास तो कुछ गोल्डन ही है. रिक्की के पास है कुछ? मेरे पहन के घूम रहा है गोल्डन बॉय. करण और रिक्की आंटी देख रहे हो डेकोरेशन वाले को ढूंढने गए हैं दोनों. कैसे रास्ता दिखा के लाए हैं इनको पता नहीं चला. ये देखो ये रास्ता दिखा के. और क्या. और मैं सोच रही हूँ इतना सामान आया कैसे बाइक में, आप समझी कैसे आया ऐसे. हाँ ये देखो यहाँ पर डेकोरेशन शुरू हो चुकी है और ये ऐसे गोल्डन गोल्डन है. तो मैंने ट्राई करा था जितना ज्यादा गोल्डन हो सके. ये यहाँ पे स्टैंड खड़ा होगा और यहाँ पर बलून्स ही बलून्स वगैरह लगेंगे. तो बहुत मजा आएगा शाम को यहाँ पर. मैं अभी सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं. मेरे पास तो कुछ गोल्डन है ही नहीं. अभी मैं अपने फ्लैट में जाके देखूंगी. वहां पर अभी कम शमी चीज है क्योंकि अभी मैं शिफ्ट हुई हूँ. लेकिन वहां पर मेरे पास क्या है पहनने लायक अभी देखने जाऊंगी. और गोल्डन तो है ही नहीं ऑब्वियसली, बट मैं सोची कुछ ब्लैक पहन लेती हूँ शाम में, अच्छा लगेगा. देखो इतनी तैयारी हो चुकी है. अभी आपको इसका बैक साइड है, इसका फ्रंट साइड नहीं पता. यहाँ पर बलून्स पड़े हैं और वो गन्स है. पूरी डेकोरेशन हो जाएगी तो रात में बहुत सुंदर लगेगी, बहुत मजा आएगा. आप भी देखना और हम ट्राई करेंगे इसके सारे वीडियोस आप तक ला सके सेलिब्रेशन के. केक तो मैंने आपको बता ही दिया था, दिखा भी दिया था. मतलब मजा आने वाला है. मैं खड़े होकर यहीं पे काली इंस्पेक्शन कर रही हूँ कि सब काम अच्छे से. और ये देखो भाई ये लग गया है, गोल्डन सेलिब्रेशन की तैयारी हो चुकी है. यहाँ पर होगा और यहाँ एक टेबल ले आएंगे. एक्चुअली मैं बताऊँ ये ना सिल्वर दे रहे थे वो लोग, मैंने कहा मुझे गोल्डन चाहिए. उन्होंने क्योंकि गोल्डन सिल्वर बटन की ओपनिंग है. हाँ. और पूरी तैयारी सेट वेट सब लगना शुरू. इधर मजा आएगा. अब क्या हो रहा है यहाँ पर? बलून्स फूट रहे हैं मशीन के साथ. बैलून काम है. इतने सारे बैलून्स ये मैंने पता क्या करा, मिक्स करवाया. अगर सिर्फ गोल्डन लगवाते तो इतना अच्छा नहीं लगता. तो बीच में गोल्डन, ग्रे एंड व्हाइट. गोल्डन और ये दोनों बैलून्स लगेंगे यहाँ पर. तैयार हो जाओ जल्दी जाकर गाइस. अब थोड़ा सेटअप हो चुका है फाइनल, बस अभी ये लगना है.
लेट्स पार्टी नियॉन में। ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो चुकी है, जब से यहीं बैठी हुई है। मैंने कहा तैयार हो ले जाकर, बोली ना अभी नहीं थोड़ी देर बाद। मेरे को एक गोल्डन शर्ट मिली है, ये मैं पहनूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी मैं आपको अपना लुक दिखाऊंगी पूरा कि मैंने क्या पहना है। डेकोरेशन पूरी हो चुकी है और ये मैंने पहना है गोल्डन, क्योंकि गोल्डन थीम थी। वैसे मेरी ड्रेस अलग है अंदर से, पर ये मैंने ऐसे पहनी है। एंड करण का भी आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। सबसे गोल्डन तो इस टाइम पर करण ही है, गोल्डन बाय। और अब हम चल दिए मम्मी का केक लेने के लिए। इतना बड़ा केक तो दिख नहीं रही इसके पीछे, हट जैसा। चलो 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 जल्दी चलो, सब गोल्डन गोल्डन। सैंडी रख दे भाई, बहुत भारी है, रख दे। तो लिया था हमने चेक करने के लिए, बट सबको दिखाते हैं कैसा लगता है। जल्दी खोल भाई, सब लोग वेट कर रहे हैं। सब्र का फल मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, क्या होता है कुछ नहीं पता। ये यहाँ क्या लिख रहा है, भम्मू की दुनिया, देख लो। अरे वो चला ही नहीं, वो तो चल गई, चले तभी तो फेल है तू मेरी नजरों में। मैं तो कोशिश भी नहीं करी ना चलाने। बिट्टू चाचा आ चुके हमारे बीच में केक खाते हुए बिट्टू चाचा हमारे। अच्छा आप ये कर रहे हो हीटर के आगे खड़े होकर मस्त अपना केक खा रहे हो, तो सर्दी तो आप काट रहे हो, हम तो ऐसे जी। बढ़िया मजा आ रहा है। गोल्डन डे है ना, तो गोल्डन बैलून से खेलना पड़ेगा। मेरे ज्यादा गोल्डन कौन होगा ये पता, पर ये गोल्डन बॉय। ये कोई गेम हो, ये तो बच्चों में खेलते थे हम लोग ऐसे, इसको नीचे नहीं गिरने देना। चाचा आपने भी खेला होगा ये वाला, तो ये मुझे बोल जाती भैया, ये भैया नहीं है, ये चाचा है। बताए मेरे मुंह से ना भैया निकलता है, पर चाचा वो आपकी एज देख के निकलता है। आप चाचा वाली एज नहीं है ना आपकी, चाचा वाली लगते नहीं है चाचा जैसे। ठीक है, आप हो बड़े भाई की तरह, तो भैया बोला जाता है। अरे मैं नहीं, बहुत मुश्किल से। अरे हाँ ससुर जी, इसके तो ससुर ही हुए, तेरे तो ससुर जी हुए, भैया जैसी खुद बहुत मुश्किल में चाचा वाचा बोल रहे। मेरे से तो बोला ना गया, मेरे से 2 साल तो मुझे समझने लग गई चाचा है कहाँ से, ये तो भैया ही है हमारे बड़े। दावत की तैयारी हो चुकी है शुरू, और ये आ गए हैं यहाँ पर समोसे। सरोज आंटी सारे समोसे लेके जा रही है घर अपने। चार खा ली आंटी ने अभी तक? चार खा चुकी मेरे सामने। तो कितने सारे समोसे। गाइस अब हो रही है दावत की तैयारी, केक समोसे देखो फाइन बांट रहे हैं। और यहाँ पर आया है चिली पनीर, ये वाले प्याज मेरे फेवरेट है। इसमें दाल मखनी है, बटर पनीर है, पनीर बटर मसाला, बहुत कुछ है। क्रिस्पी कॉर्न, क्रिस्पी कॉर्न ये मेरा फेवरेट चीज है, ये मैं खाता हूँ। हाँ, कहीं जहाँ बाहर जाता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले स्टार्टर्स में ये मंगाता हूँ। और गाइस आपने मेरा कस्टमाइजेशन तो देखा था ड्रेस का, बहुत अच्छा। ममता आंटी का भी देख लिया सब कुछ, नगरी तो अपने लिए कर रही है। पहले खा गई और फिर से खाना स्टार्ट चाहते ही ऐसे ही। ये फोन किसका है? मेरा। लो सबके नाम पे अपने लिए निकाल लिया, हर प्लेट हर एक प्लेट। सैंडी समझदारी का काम कर रही है ना, सैंडी सबको दे रही है। तभी शक होता है कि शायद अपने लिए निकाल रही है। निकाला अपने लिए है, वो तो लोगों ने बोल दिया था, दे टोक दिया, टोक दिया। चाचा फिर से पकड़े गए एक और बार केक खाते हुए। तीसरी बार मैं देख रहा हूँ, चलो दूसरी बार है, लेकिन मैंने तीसरी बार बोल दिया। अरे यानी के लिए मान थोड़ी ना, आधे किलो केक खा के अभी तक। स्टार्टर इतना सारा आ गया, चिली पनीर, हरा भरा कबाब। चाचा लो स्टार्टर खा लो, स्टार्टर खा लो चाचा। अभी करूंगा स्टार्ट। ये देखो कितना टेस्टी सा लग रहा है ना, मैंने डाइनिंग टेबल को बुफे सिस्टम बना दिया। यहाँ रखा है जिसको जिसको जो चाहिए उठाते रहो लेते रहो, हर बार नहीं बताया जाएगा, एक ही बार बताया जा रहा है। जिसको चाहिए यहाँ से उठाओ और लेते जाओ। अच्छा ये काम की चीज, गुलाब जामुन आ गए, हम दोनों लपेटेंगे ना, मम्मी भी पांच पांच पेट भर। पहले काम करते हैं, पेंट का बटन खोल ले रहे हैं, जहाँ तक पेट जाएगा वहां रख जाएंगे। पाई चोरी चोरी पाई, मम्मी ऊपर चले गई तो पाई खा रहे समोसा, बोले मम्मी तेरी ऊपर गई है, जल्दी से एक समोसा खा लूं। क्यों भाई, मम्मी मना करती है? ये हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, मोटे हो जाओगे। कितनी बढ़िया पाई ने चाट बनाई है अपने लिए, समोसा चाट। सीख ले, सीख चाट कैसे बनाते हैं सीख ले। मेरा खपड़ा चल गया यहाँ। दाल मखनी है, क्या क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई की, पाई ने बहुत अच्छे से करी। देखो
तेरी डेकोरेशन की थी? मेरी डेकोरेशन की थी, तो मैंने अच्छे से नहीं आया। पाई की फूड की तो पाई ने बहुत अच्छे से कर लिया, पाई ने खुद ऑर्गेनाइज करा सब कुछ, खुद बोला कि यहाँ रखो और बहुत अच्छे से देखो कितना अच्छा सिस्टम बनाया। ओहो आ गई मम्मी, क्या खुशबू आ गई ऊपर तक, खाने खुशबू आ गई मम्मी, करी नीचे बहुत चहल पहल है। ओ यार मम्मी अब अकेली क्या करूं, देखो पर सिरप पीछे भी काम, तो मस्त बैठो ना, पाई ने इतना बढ़िया बूफे सिस्टम बनाया हुआ है। मम्मी समोसा खा रहे, कह रहे पुनी ऊपर गई है, जल्दी से समोसा खा लूं। अरे और आप क्या, आप क्या सोच रही हो, ये देखो पीछे पड़ रहा था मेरे। समोसा खा लो, मिस्सी रोटी दाल और दाल मखनी चटनी प्याज ये सब खाते हुए मस्त देसी स्वाद। चुपचाप चुपचाप मम्मी देखो, मम्मी देखो मैंने क्या पकड़ा, चुपचाप दोनों रसगुल्ले खा रहे हैं यहाँ सिंगल पीस। यार आप क्या हो ना, मीठा ना खाते पाई, ये देखो ये खा रहे। और आप जैसी, और सुनो आप जैसी बिजी हुई ना बातों में, तुरंत दोनों आए भाग कर समोसे लेने लगे, वो ये लगे रसगुल्ले। सो गाइज आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, हमने खूब सेलिब्रेट करा, बहुत फन करा है, बहुत सारा खाना भी खाया है हमने, आपने देखा ही होगा। पाई ने इतना सारा ऑर्डर करा ऑर्गेनाइज, पाई ने फूड बहुत अच्छा था ऑर्गेनाइज करा, सैंडी ने डेकोर बहुत अच्छे से मेंटेन करा और ऑर्गेनाइज करा, और हमने खूब मजे करे, बहुत मजे करे। गोल्डन बटन आया बहुत टाइम बाद, अच्छा लगा हमने इतना अच्छा सेलिब्रेट करा, और जो मम्मी का गोल्डन बटन आया उसको हमने इतना अच्छा सेलिब्रेशन करा कि बहुत ही मजा आ गया मुझे। तो तुम्हें चेंज भी कर लिया मैंने अब देखा, और मैं अभी तक ऐसे घूम रही हूँ। चेंज ही क्या कर लिया, सर जैकेट तो उतरनी थी वो मैंने उतार दी है। और थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा, आपने मम्मी का 1 मिलियन करा आज, आपकी वजह से हमने गोल्डन बटन सेलिब्रेट करा। आप ऐसे ही उन्हें सपोर्ट करते रहे, और प्लीज मुझे भी सपोर्ट करिए, सैंडी को भी सपोर्ट करिए, मेरी पूरी फैमिली को सपोर्ट करिए, जो भी आपको दिखे सबको सपोर्ट करिए, पूरी फैमिली को करिए। और मस्त रहे, बिंदास रहे, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इसके बाद मैं जाऊंगी अपने फ्लैट पर और सो जाऊंगी, आज मैं इतनी थक गई हूँ सब कुछ सुबह से लेकर करते करते करते, तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं जाऊंगी और सो जाऊंगी। सो गाइज आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मैं अपने फ्लैट में आ चुकी हूँ, आज पहले दिन में यहाँ रहूँगी, थोड़ी सी लाइट्स ऑन कर देती हूँ। सो आज मतलब फर्स्ट डे होगा मेरा फ्लैट में रात के लिए, आई होप मुझे डर वर ना लगे, आई होप सो, बट नहीं मुझे लगता ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ से व्यू वगैरह बहुत अच्छा है और ये सोसाइटी भी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, तो चलो चलते हैं। सो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ यहाँ की भी, अभी तक तो मुझे स्विच ही नहीं याद हुआ है यहाँ पे। यहाँ से व्यू रात का, ये देखो कितनी फॉग हो रही है, डेंस फॉग। सो यस गाइज दैट वॉज इट, आई विल मीट यू टुमारो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।